इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कई सारी सियासी पार्टियां ये मैदान में इस वक्त पहली बार पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। बल्दिया इंतखाबात के अंदर जो है हिस्सा लिया जा रहा है, पहली मर्तबा पूरी तारीख में बल्दिया इंतखाबात के पहली मर्तबा पार्टी के निशान पर जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 के यमाम के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुश्ताक तहसीलदार साहब। आप क्या कामों को अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सब आवाम को, मेरी तरफ से वार्ड नंबर 2 से आज मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और अभी आगे इंशाल्लाह काम करेंगे हम सब। आप सबकी मुझे ज़रूरत है, आप सब जने बढ़ चढ़ के इस पार्टी को रोशन करो और आगे बढ़ाओ। पहली बार बेलगाम में आई है, मेरी उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं करेंगे इस पार्टी को, अच्छे से अच्छे तो आप वोट डाल के इस पार्टी को जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, न्यू वीरभद्र नगर वार्ड नंबर 12, कांग्रेस के जानिब से मुझे उम्मीदवार चुना गया है और इसका मैं सबसे पहले तो फिरोज सेठ साहब का शुक्रगुजार हूँ और राजू सेठ का साहब का शुक्रगुजार हूँ, फैजान सेठ साहब का शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जीत के आने के बाद इंशाल्लाह जो भी काम है उसे हर काम को अंजाम देंगे। और आप सभी को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के मुझे कामयाब बनाएं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कॉलोनी का जो भी काम है उसे हर काम को हम अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शकीला गोरी साहब मुल्ला, मैं कांग्रेस से उम्मीदवार हूँ। मेरी गुजारिश है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताओ। मेरा वार्ड नंबर है 20।